नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि गांव में घर बनाने के लिए हमने एक बहुत ही खूबसूरत 3D घर का नक्शा बनाया हुआ है। तो चलिए इस डिज़ाइन से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो घर का यह डिज़ाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि घर के फ्रंट भाग में कुछ इस तरीके से एक ओपन बरामदा रखना होगा, और ओपन बरामदा के अगल बगल आप देख सकते हैं कि एक रूम इधर और दूसरा रूम इधर रखना होगा। तो सबसे पहले यदि हम इस ओपन बरामदा के साइज़ की बात करें तो 10 फीट बाई 10 फीट इसका साइज है, यानी कि 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ओपन बरामदा के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर का मेन गेट है, इसी गेट से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए घर के अंदर प्रवेश करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने रूम दिए गए हैं और प्रत्येक रूम का साइज क्या है। तो ये घर का मेन गेट है। जब आप मेन गेट से घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ओपन एरिया है। ओपन एरिया के अगल बगल आप देख सकते हैं कि 2 बेडरूम दिया गया है। यदि हम फर्स्ट बेडरूम के साइज की बात करें तो 12 फीट बाई 10 फीट है। 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और बेडरूम में आने जाने के लिए डोर आप देख सकते हैं कि इस तरफ से दिया गया है, यानी कि घर के आंगन में आने के बाद घर के अंदर से ही आप इस रूम के अंदर प्रवेश करेंगे। और रूम में अच्छे वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि एक विंडो यहाँ पर दी गई है और दूसरी विंडो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पर दी गई है। नेक्स्ट, यदि हम सेकेंड बेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपका सेकेंड बेडरूम है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यानी कि 12 बाई 10 का ये आपका बेडरूम है। और इस बेडरूम में अच्छे वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो दी गई हैं, यानी कि 2 खिड़की दी गई है। एक खिड़की यहाँ पर है और दूसरी खिड़की आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घर के फ्रंट भाग में है। तो इसी तरीके से आपको खिड़की लगा लेनी है जिससे आपके घर का वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा हो। और रूम में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोर दिया गया है, यहीं से आप इस रूम के अंदर प्रवेश करेंगे। और रूम के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि 6 फीट की दूरी में एक ओपन एरिया है। ये पूरा ओपन एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाथरूम और WC कंबाइंड है। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो 8 फीट बाई 7 फीट है। 8 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 7 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और बाथरूम में आने जाने के लिए यहाँ पर डोर दिया गया है। और बाथरूम के ठीक सामने ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि ओपन है। ये आपका लिविंग रूम है और इसके साथ साथ यहाँ पर आप डिनर भी कर सकते हैं। और इस ओपन एरिया के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन दिया गया है। यदि हम किचन के साइज की बात करें तो 10 फीट बाई 8 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और 8 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और किचन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर है। ये आप देख सकते हैं कि किचन के ठीक सामने यहाँ पर स्टेयर, यानी कि छत पे आने जाने के लिए सीढ़ी दी गई है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 6 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो 6 फीट में कोई भी स्टेयर बहुत ही अच्छे से बन जाती है। यदि आप 6 फीट चौड़ाई में स्टेयर बनाते हैं तो छत पे आने जाने में या फिर किसी भी वस्तु को ले जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो होम प्लान से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। अब चलिए देखते हैं कि घर के फ्रंट भाग के एलिवेशन में आपको कौन कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो फ्रंट भाग के एलिवेशन डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बरामदा बनाया गया है, बरामदे के दोनों कॉर्नर पर एक सर्कुलर पिलर यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको 2 गोल पिलर बना लेने हैं। गोल पिलर बनाने के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपको एक स्लैब बीम बनानी है जो कि सामने से स्पष्ट रूप से दिखे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लैब बीम है वो स्पष्ट रूप से सामने दिख रही है। तो इसी तरीके से आपको दिखती हुई एक स्लैब बीम बना लेनी है। स्लैब के बाद यदि हम पैरापेट वाल की बात करें तो बिल्कुल फ्रंट में आप देख सकते हैं कि 1 2 3, यानी कि 3 तरफ आयरन की ग्रिल लगाई गई है। तो इसी तरीके से आप भी बरामदे के फ्रंट पर और दोनों रूम के फ्रंट पर आयरन की ग्रिल लगा लेंगे। आयरन की ग्रिल लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पैरापेट वाल के रूप में केवल ईंट की चिनाई करके एक बाउंड्री टाइप की बनाई गई है। तो इसी तरीके से आप भी बाउंड्री बना लेंगे। इससे जो खर्च होगा, यानी कि जो लागत होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने के दोनों रूम में स्टाइलिश विंडो लगाई गई है जिसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग की गई। तो इसी तरीके से आपको भी विंडो के चारों तरफ डिजाइनिंग कर लेनी, जिससे आपका विंडो कुछ इस तरीके से खूबसूरत सा दिखने लगेगा।
और विंडो की खूबसूरती बढ़ने के साथ साथ आपके घर की भी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए घर जब भी बनाइए, सामने की जो विंडो है यानी कि जो सामने की खिड़की है उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाइए। तो फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी, अब आपकी बारी है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।